कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। और स्ट्रिंग्स ऑफ सॉल म्यूजिक एकेडमी के इस पेज पर आप सबको हम वेलकम कहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि हम उर्दू में लेसन बनाकर भेजें, क्योंकि हमें नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे लेसन मिलते हैं जो इंग्लिश जुबान में या और किसी जुबान में है, तो हमारे एशियंस को या पाकिस्तानियों को या इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में कि एक स्केल को या एक कॉर्ड को कैसे डिटेल से किया जाए। अगर वो कर लेते हैं प्रैक्टिकली तौर पे, तो हम उन्हें उनकी डिटेल पता नहीं होती। तो हम लोगों ने ये स्ट्रिंग्स ऑफ सॉल के इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने ये काविश है हमारी कि आपको अच्छे से अच्छा म्यूज़िक प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम देखेंगे कि हमें एक स्केल है सी मेजर स्केल, हमें इसको किस तरह से पूरे फ्रेट बोर्ड पर प्ले करना है। तो हम आपको बताएंगे कि पूरे फ्रेट बोर्ड पे किस तरह से प्ले होगा, और ये जो सी मेजर है इस सी मेजर को कौन सा कॉर्ड कहते हैं, हम इसकी सारी डिटेल आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फ्रेट बोर्ड के ऊपर एक स्केल को प्ले करने की पांच हालतें होती है, पांच पोजीशंस होती है। तो वो भी हम आपको ऐसा ऐसा करवाएंगे। सबसे पहले हम पोजिशन नंबर वन को आज सीखेंगे। आप पोजिशन नंबर वन से बहुत कुछ सीख लेंगे। आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, पोजीशन नंबर वन। तो आइए हम इसकी डिटेल में चलते हैं कि पोजीशन नंबर वन को हमें प्ले किस तरह से करना है। हाँ जी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पांच पोजीशन इसकी होती है। तो सबसे पहली पोजीशन मैं आपके सामने प्ले करूंगा। ठीक है, ये पहली पोजीशन नंबर वन है। उसके बाद पोजीशन नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। तो ये फाइव पोजीशन होती है जिसकी वजह से हम गिटार को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी हम इसका पीस दे सकते हैं, किसी भी सॉन्ग में हम इसकी मेलोडी बजा सकते हैं। तो हम आज पोजीशन नंबर वन को देखेंगे कि पोजीशन नंबर वन हमें किस तरह से प्ले करनी है। सी मेजर स्केल है बेसिक आपका, इसको हम टॉनिक कॉर्ड भी कहते हैं, सी मेजर टॉनिक कॉर्ड। और हम इसकी पोजीशन आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये फ्रेट बोर्ड यहाँ तक याद करना है, इसकी नंबरिंग याद करनी है। तो सबसे पहले यह है कि जो हमारी ई स्ट्रिंग है, जो सिक्स हमारी ई स्ट्रिंग है, तो इसे हम कहते हैं जीरो। ठीक है, काउंटिंग के हिसाब से हम इसको जीरो कहते हैं। तो जब भी कोई जीरो का अदद आए या जीरो का वर्ड आए, तो आप समझ जाए कि ये ओपन प्ले हो रही है। तो ई ओपन मीन इसका जीरो। फिर उसके बाद ये वन है, एफ का नोट, एफ शार्प का नोट जो है वो है टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व। ये आपको याद करना है फ्रेट बोर्ड बड़ी डिटेल से। ट्वेल्व तक आपको पता होना चाहिए एट कहाँ पर है, थ्री कहाँ पर है, फोर्थ कहाँ पर है, जीरो कहाँ पर है। उसके बाद सेम ऐसे ही ए स्ट्रिंग जो हमारी है, फिफ्थ स्ट्रिंग है, ये भी जीरो ओपन आएगी, फिर प्रेस में वन आएगी। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही नीचे जीरो 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 जो ओपन होगी वो जीरो होगी। उसके बाद हमारी जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो प्रेस में वन टू थ्री इसकी वो आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें इसको प्ले करना है, जो स्केल हमें प्ले करना है वो कैसे प्ले करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए जी, जीरो जीरो, सिक्स स्ट्रिंग से जीरो, फिर वन, फिर थ्री। ठीक है, फिर से आपके लिए प्ले करता हूं, जीरो वन थ्री, फिर ए का जीरो, फिफ्थ स्ट्रिंग हमारी, फिफ्थ स्ट्रिंग जीरो, टू, थ्री, फिर डी स्ट्रिंग जीरो, टू, उसके बाद जी स्ट्रिंग जीरो, टू, फिर उसके बाद हमारी बी स्ट्रिंग जीरो, वन, थ्री,
उसके बाद फिर हमारी ई स्ट्रिंग 0 1, फिर अगेन ऐसी वापस जाएगी 1 0 3 1 0 2 0 3 2 0 3 2 0 3 1 0, ठीक है जी। इस तरह से आपने एक स्केल को प्ले करना है, और अब मैं इसको आपको तरतीब से बजा के बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए कि आपने इसको किस तरह से प्ले करना है। ठीक है जी, समझ आया आपको? इस तरह से आपने इसको प्ले करना है। इसकी डिटेल ये मैं हम आपको नेक्स्ट लेसन में मज़ीद इसकी डिटेल करवाएंगे, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाए। ठीक है, इस तरह से आप एक स्केल को ओपनली इसको स्केल कहते हैं, पोजीशन नंबर 1 है, तो आप इसको इस तरह से सी मेजर के स्केल में प्ले कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा आप सबको बरकत दें। गॉड ब्लेस यू।